आप देख रहे हैं लाइव आज। जिला बिजनौर किरतपुर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व स्टार प्रचारक आचार्य प्रमोद कृष्णम का किया गया स्वागत। हम आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर मोहल्ला मीठा शहीद के मैदान में प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नगीना विधानसभा प्रत्याशी हेनरीटा राजीव सिंह के समर्थन में पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा बसपा व सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इन तीनों पार्टियों पर है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सत्ता से हटे हुए 32 वर्ष बीत चुके हैं। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए लगभग सभी ने प्रदेश को खोखला करने का काम किया है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि अगर मुल्क की गद्दी से भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को ही सत्ता में लाना होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात का जवाब केवल प्रियंका गांधी व राहुल गांधी ही दे सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है, इसलिए हमें पहले लखनऊ को फतह करना है। उन्होंने अपने भाषण में कई बार भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि वे इबादत की सियासत की तरह करते हैं और हम सियासत को इबादत की तरह करते हैं। अपने संबोधन में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देशभक्त अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि को नमन करते हुए कहा कि आजाद भारत की दुर्दशा देखकर इन शहीदों की आत्मा भी रोती होगी। बाद में उन्होंने प्रत्याशी हेनरीटा को जिताने की लोगों से अपील की। सभा की अध्यक्षता मोहम्मद सक्की ने की तथा संचालन वरिष्ठ युवा नेता व पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीडिया प्रभारी मुकसिर जमा खान ने किया। सभा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान, महाराष्ट्र से आए विधायक परिणीत शिंदे, मुफ्ती मोनिस मियां, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफराज मलिक, नगराध्यक्ष साजिद अली खान, पीसीसी सदस्य मुबशिर जमा खान, सुबोध पराशर, यूनका जिलाध्यक्ष फहीम एडवोकेट, शायर शनावर किरतपुरी, डॉक्टर एम जुनेद आदि ने संबोधित किया। इस सभा को सफलतापूर्वक कराने के व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफराज मलिक ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। आज न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर किरतपुर से रिपोर्टर डॉक्टर खिजर जावेद खान की खास रिपोर्ट। और मुस्तकबिल में नुकसान होने जा रहे हैं, ऐसे नुकसान कृषि का कानून, ये काला कानून हम पर थोप दिया गया लेकिन संघर्ष के बाद वापस हो गया। एनआरसीए का कानून थोप दिया गया, ये सबसे एक चीज है कि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग सीखते नहीं है। एनआरसी आप लोगों को थोपा गया लेकिन आप